तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को प्रणाम मेरा, और जितने भी हमारे बड़े हैं सभी को मेरा चरण स्पर्श, साथियों को नमस्कार, हाय हेलो। तो कैसे हैं सभी लोग? तो आज है हमारी बेटिया की छठी का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ। जो लोग नहीं जानते या जो जानते हैं, तो एक कुछ ऐसा रिचुअल होता है जो हमारे यहाँ करा जाता है बच्चे के छठे दिन। तो आज उसी के लिए अब तैयारी चल रही है। शिवी ने भी आज स्नान कर लिया है, और स्नान करके अब मैं कोशिश करूँगा शिवी के बालों को ड्रायर करूँगा। हैं शिवी? नहीं नहीं, मैं ड्रायर कर दूँगा, आई विल हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब जो सब लगे हुए हैं अपने अपने मिशन में, उधर चाची अपने उसमें लगी हुई हैं, और सब लोग मतलब एक छोटे से पर्व को भी कोशिश करते हैं कि जो बड़े से बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाए। तो नहीं होगा बड़ा, माँ बड़ा ही पर्व होगा, पर फिर भी होता तो छोटा महिला, मतलब यहाँ का भाई छोटा सा फंक्शन होता है ना, महिलाओं का ही कार्यक्रम होता है। हाँ, नहीं, हाँ नहीं, वो तो बात सही है, पर जिस तरह से हमारे लोगों में आजकल ये चल रहा है ना शिवी, के जो नामकरण संस्कार होता है या बर्थडे होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। बट हाँ, हम छोटे से छोटे कार्यक्रम को भी हमारे यहाँ सभी लोग ईश्वर की असीम कृपा से जो है। अच्छा, क्या माँ, क्या माँ, क्या माँ ने पराठा बनाया और माँ क्या दिख रही हो? श्री राम। ओ वाओ, देखिए इसको माँ ने बोला सबसे नीचे जो वो श्री लग रहा है, और ऊपर राम, ऊपर आप देखिए पराठे पे ही आकृति बन के आ गई। प्रभु प्रभु कृपा है शिवी, प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है। माँ आपने नमस्कार तो सबसे करी नहीं? अब तो आदत हो गई होगी, जल्दी करो। सभी को वो राधे राधे है, इधर देख के बोलो माँ। सभी को राधे राधे, मैंने अभी बाल भी नहीं कटे। तो क्या बात हो गई, इसमें बाल नहीं कटे तो सारा घर फैला हुआ हो रहा है, तो क्या बात हो गई? काम हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। शिव बॉस, चलो मैं तुम्हारी ड्रायर कर दूं। तो जी, अब जो इनका आज जो रिचुअल है छठी का जो कार्यक्रम है, उसके लिए हमारी चाची, हमारी ताई जी, और जो हमारा पुराना घर है वहाँ पर हमारी ताई जी, मंजू ताई जी, और सभी लोग जो परिवार की महिलाएं हैं, क्योंकि ये महिलाओं का ही कार्यक्रम होता है, रिचुअल जो होता है, तो सभी लोग आने शुरू हो गए और ऊपर आ भी चुके हैं, उसकी भी अपना रेडी हो रही हैं। आज शिवी भी काफ़ी दिनों बाद मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से अपने कुछ ड्रेसेस भी अगर पहनेंगे, अभी तक तो वो गाउन वगैरह में जो है मतलब बैठ रही हैं, अपना सारे कार्य कर रही हैं। ये देखो हमारी माँ भी रेडी हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या कर रही हो? रेडी हो गई? बिल्कुल एकदम, बिल्कुल एकदम। देखो चाचू को, देखो चाचू के पास तो केवल एक ही काम है, अपनी बेटी को लेकर बैठने का। नहीं करता ना इनका कहीं जाने का मन, ना कहीं आने का मन, कुछ नहीं, इन्हें केवल अपनी जो है बेटी चाहिए बस। क्यों माँ, यही बात है? चलो कोशिश करेंगे अपनी जितनी भी हमारी संस्कृति के अनुसार जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, वो सारे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन आ चुके हैं, क्योंकि जितना मैंने देखा था तभी तक ताई जी और चाची आई हुई थी, और खुशी हमारी जो बहन है वो आ गई थी। अब देखते हैं। अरे वाह, और चाची ठीक हो? ये हमारी ताई जी, मंजू ताई जी, हमारी आंटी, आंटी आंटी को, ये देखो हमारी ताई, और ये खुशी, क्या हाल है, कहाँ गई तेरी भाभी? तो हमारी ताई ने जो है गाने बजाने शुरू कर दिए हैं, मतलब भजन जो होते हैं, भजन शुरू कर दिए हैं। वो हमारी छोटी दादी की हैं, हमारी बेटी की परदादी की बेटी। तो सभी लोग अब अपने अपने कार्यों में लग चुके हैं। नज़र उतार देंगे बहन, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अभी लात भी मार देगी, वो ढंग से पहनो। गुड़िया सी है, छोटी। इन्हें देखो,
शिवी जी कैसा फील कर रही हो? बहुत छठी का कार्यक्रम चल रहा है आपकी जो है बिटिया का, ये देखो। हाँ हाँ पहना, वाह भाई वाह, बुआ ले आई बहुत प्यारी सी नजरिया। ये भी बढ़िया, मुझे लग रहा था कि तो कोई नहीं वाह भाई वाह, हाथ खोल दिए तो अरे वाह, ये क्या कड़े पैरों के? ये पैरों के हैं? हाँ मतलब डिफरेंट फ्रॉम फायर स्टाइल। ये देखो ये परदादी है इसकी, छोटी परदादी। अरे क्या बात है, नानी भी आ गई आपकी? वाह भाई वाह, आपकी नानी भी आ गई? अरे नानी के नाम पर मुस्कुरा दी, क्या बात है। तुम्हारे वजन से कहीं ना जा रहा था ये? सब तो बड़ा आ रहा है देखना। क्या ले आई तू? देख रही है सर, ब्यूटीफुल। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो जी, ये पिंक भी आ गया, ये बढ़िया काम करा। और अब सर्दियाँ भी आ रही हैं ना बहन, सर्दियाँ भी आ रही हैं, बहुत सुंदर। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर कोटराइज है ना ये? हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादी कह रही है बेटी नाम करेंगी, बेटियां नाम करती हैं, है अम्मा? और क्या, ये देखो कितनी सौभाग्यशाली है अपनी परदादी की गोदी में बैठी हुई है। सही ये देखो आ गई इसकी नानी, आ गई नानी। नानी लेट क्यों हो गई हैं? ना ना लेट कैसे हो गई? ऑफिस से आए थे तो आप आ जाती, जब मैं कह रहा था मैं लेने आ रहा हूँ फिर ना, मैं तो आपके मुंह पर करूँगा। नहीं नहीं मैं तो करूँगा, मुझे बताओ जवाब चाहिए, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है लेट क्यों हुई हो? पूजा करके? हाँ उसमें थोड़ा लेट तो हो गया। माता पूजन जो होता है वो माता पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे हो चुका है। ये शिवी जी हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पे, ये हमारी ताई जी मुखिया हैं, ये कराती हैं सारी पूजा पाठ, इन्हें सब पूरा अनुभव है। ये देखो दीप प्रज्वलित हो चुका है। जय माता दी। ये बिना देखे शिवी भी है।
आराम से पेट तो नहीं बिचरा जा रहा रुक जाओ मैं हलवा उठा रही हूँ ऐसे हाँ उठा तो सकते हैं बीच से काट दिया ये जो बोला मैंने कोई बात नहीं बच्चा बहुत ही चलते ही है जय मेरे भगवान की रक्षा लक्ष्मी जी दे 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 हाँ उसके न छीटे पहले उसके दे बेटे जय गौर मैया रक्षा करियो जय जल के ना देती उसी के लगा अच्छा बस हो गया जी पैसे रखने हैं ना पैसे रखने हैं बेटे उनके पहले साराम चल जाए सिर तो हिला दो इधर से घूम के वहाँ जाएगा चलो चलो बस तुम कर लो अरे क्या हुआ मैं रख दे बेटे क्या हुआ स्ट्रॉन्ग है लड़की लड़की स्ट्रॉन्ग है खिलाड़ी कितने रुपए कर दिया और कब तक ये हमारी पारुल दीदी लई है आगरा से आई लई क्या है मतलब वो आ नहीं पाई तो उन्होंने जो है खुशी के माध्यम से ये ड्रेस जो है बेटी के लिए भिजवाई है देखो कितनी प्यारी है कितनी स्वीट है वाह भाई वाह खुशी कहाँ है खुशी ये देखो हमारी छोटी सी बहन है और पता नहीं कितना जो करती है खर्चा क्या करके लाई है ये तो वो है क्या बोलते हैं चंदा सूरज गले में ये लाई है आप कोई भी पिना दो बुआ बुआ तो सारे एक ही है क्या बात है ये क्या ले आई तू हमने पहन लिया तू भी खुशी मानती नहीं है ये तो आ जाएंगे इसके पहले अभी और थोड़े दिन बाद आएंगे और तो अभी थोड़े दिन बाद आएंगे भी आएंगे नहीं आ जाएगी पहना देना तो पहना देना बाद में पहन लेगी बाद में पहना लेगी तो पहने अच्छी क्यों यही बनाएंगी क्या बना ये क्या ले आई तो ये तो हाथ में हाँ ये तो बनाई जाती है ना अब ये अच्छा लगे ये ड्रेस लाई है खुशी कितनी सुंदर ड्रेस लाई है हो गया अरे पागल तू इतना खर्चा क्यों करके लाई है मन कर रहा है शिवी खुद पहन ले बहुत सुंदर एक कांच की बोतल भी आ गई कांच की बोतल आ गई अरे ये लड़की वाकई में जो है ये सबसे ज्यादा तगड़ी हीरो निकली ये सही कर रहा वरना ड्रेस कैसी लग रही है ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है क्या शिवी क्या क्या ये वाली पायल ना वहाँ नर्स दी थी ना तो मेरे को ये बहुत बढ़िया लगती है कितने लोगों ने मेरे से पूछ लो कितने लोगों ने एक तो भी पसंद आ गई थी मेरे को बहुत ही खूबसूरत ये नजरिए पहना दियो पहना दो जी हाँ पहना ही सकती है बस इधर नहीं देख सकती है वाह भाई वाह वाह भाई वाह और हाँ मैं ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें जितनी भी हमारी बहन लाई है बड़ी वाली है हमारी खुशी लाई है सब प्रॉपर इसको वॉश करा के सैनिटाइज करा करके लेके आए मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप सोना चांदी पहना रहे हो वो सैनिटाइज रहे प्रॉपर साफ करा के लाए स्टराइल करा के बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है यार पैर में भी डाल दिया ये क्या बोले
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। आशीर्वाद दे रही है। वाह भाई वाह, क्या मा क्या क्या जी आप बताओ मुझसे क्या दीदी पैर चलाई बस 100 रुपए अरे मारते नहीं अच्छा अभी तो निकाल नहीं अब फिर ठीक है ये तो पैर चलाई है अच्छा पैर चलाई है फिर ठीक है बस हल्का सा टच कर दे बस मैं लगवा दे अच्छे से चूमी ना करी शिवी ने लड़की लगा रखी है ये भी लड़की है जो लगा रखी है और ये मोबाइल में भी लड़की लगा रखी है शिवी का मन ये था कि लड़की हो पहली लड़की होनी चाहिए हाँ नहीं पहली लड़की बढ़िया रहती हो गया जी हाँ दीदी ये पैर छुओ भैया दीदी दीदी हैं पहले दाम लो ये पैर छुलाई का कार्यक्रम है आपका अम्मा पैर छुले अम्मा यार ये थोड़ी क्यों छुएगी पागल है ये लड़की ये देखो दादी क्या कह रही है हम इसके छुएंगे उल्टे ये देखो ताई जी पैर छुए छुआ ये देखो चाची अरे वो चाची रह गई चाची को बुलाया जा रहा यार ऐसी बात तो ना मत तुम भी पैर से ही छुआ करा लो यार नहीं नहीं कराना चाहिए रसम तो रसम है अच्छा रुक जाओ भैया तुम्हारे लिए पैसे मैं दे दे रहा हूँ रुक जाओ अच्छा ये कितना सही है उन्हीं के पैसे उन्हें दे दिए ये सही है ऊपर चल रहा था वहां का छड्डी का कार्यक्रम आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे थे रेडी ताश खेल रहे थे दोनों नानू और दादू ये भी सही है और इसे मामू को ही बैठा लिया क्यों मामू क्या डॉलर ले जाने दे रहा डॉलर बीच में बैठ गया मामा मजाक कर रही हैं डॉलर ले जा रहा है मामा ओ ओ हट क्यों भाई तू तो पहले खुद ही जाता था हैं अब ना तो जा रहा ना मतलब तू छोड़ दियो मैं इसके वजह से हां कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा आप अंदर रखो इसको ना बाहर सही भी नहीं है आप अंदर रखो मैं कर दूंगा अच्छा भाभी जी नमस्ते भाभी जी नमस्ते आ जाना यार रुक जाओ अरे रुक जाओ देर रुक जाओ अरे कुछ मीठा खिलवाओ नहीं नहीं ले लिया मीठा ले लिया
हलवा बहुत बढ़िया था वैसे ही, बहुत टेस्टी। अच्छा जी, देखो कैसे बैठ गया, कैसे बैठ गया, वरना छोड़ने जाता बाहर तक जाता है ये, इसकी वजह से नहीं जा रहा। अरे आओ थोड़ी देर बैठो, बंद है बाहर से ना, ओपन। अच्छा बाहर से। तो अब जो क्या नाम है, हमारे बेटी के नानू नानी भी गए और हमारी दादी जी, छोटी दादी जी, और जो है क्या नाम है, मतलब हमारी छोटी दादी जी, एक्चुअली जो हमारी बड़ी दादी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, बड़े दादाजी नहीं है, तो छोटी दादी और दादाजी हैं। तो दादाजी स्वास्थ्य सही ना होने के कारण से नहीं आ पाए। और दूसरा क्या है कि इसमें मैंने पहले पूरे ब्लॉग में मैं बार बार बता रहा हूँ कि केवल और केवल महिलाओं का काम होता है, जो घर के जो महिलाएँ होती हैं उन्हीं की पूजा पाठ होती है, वही इन पूजा पाठ को करते हैं, तो इसमें सभी का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता। तो ईश्वर की असीम कृपा से हमारी बिटिया का पहला फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ, बड़ी विधि विधान से हुआ, बड़े अच्छे से पूजा पाठ हुआ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। और शिवी बॉस भी यहीं बैठे हुए हैं, तो मैं आज इनसे भी एक बारी आपकी बात करा देता हूँ। जी शिवी बॉस, तो कैसा फील कर रहे हो आप? मतलब वैसे वाली थकान जैसे डेली ऐसा रहता है, क्योंकि एट अ बात आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, तो अभी ऐसा हो रहा है कि पूरे मतलब बॉडी में से खुल भी गई हो लेकिन स्टिफ भी फील हो रहा है। नहीं वो तो होगा शिवी, स्टिचेस भी तो है ना यार तुम्हारे, प्रॉपर तरीके से बात थोड़ी ले पाए हो आप। स्टिच में भी ना पता है, मेरे को लगता था कि ये सब चीज़ें आसान रहती होंगी ऐसा, बट इट्स अ होलसम डिफरेंट जर्नी कि इतना ज़्यादा पेन किया। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को पूरी प्रेगनेंसी में अब तक भी इसलिए हो रही है ना, क्योंकि मेरे को खांसी, अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी थोड़ी देर तक बोलती हूँ। मुझे आ गई, मैं खुद भी रुक गई। तुम मत बोलो, तुम शांत रहो। तो फिर ये होता है कि खांसी। अरे तुम शांत रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आई विल मैनेज। मतलब आप तो मैनेज कर ही रहे हैं, पूरा व्लॉगिंग आप ही नहीं मैनेज करी है, बट मैं, मेरे को सच में अप्रिशिएट करना चाहिए, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये सब लोग, अरे आप तो अप्रिशिएट कर रहे हो, सब व्लॉग में कमेंट्स आते हैं। सॉरी कि मैं सबको, मतलब मैं मैसेजेस बहुत लोगों के पढ़े, आज तो गौर साहब ने मेरे को पढ़ के सुनाया, मतलब सुनाए सबके मैसेज हैं, पर मैंने शिवित हूँ नहीं, आज ज़्यादातर सुनाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे रात में हूँ ना, मोबाइल देखने को ही मना कर रहे हैं ना सब अभी। हाँ क्योंकि नहीं देखते हैं ना ज़्यादा मोबाइल वगैरह, कुछ भी नहीं, क्योंकि आँखों पर इफेक्ट पड़ता है सारी चीज़ें। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज़ें माँ की बच्चे से रिलेट करते हैं कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो आपको कटोरी में पीना है, सारी चीज़ें होती हैं। कि कपड़े, मैं आपको बता दूँ, जैसे कपड़े धो रहे होते हैं, खैर मैंने तो अभी तक भी नहीं, माँ और गौर साहब ने कपड़े धोए हैं बेबी के, क्योंकि अब छठी है तो अब नए कपड़े पहना सकते हैं यार। तो वो धोने को तो यहाँ पे भी सब है धोने वाले, बट मेरे को आउट ऑफ फीलिंग्स और ये सारी चीज़ें ना, इस वजह से मेरा खुद का धोने का मन, तुम्हें लगता है मैंने आज तक कभी हैंकी भी धोया होगा, बट फिर आराम से पेट हिल गया तुम्हारा। बट फिर भी क्या होता है ना शिवी, ये एक भावनाएं ऐसी है ना, फीलिंग्स ऐसी हैं कि इसमें बिल्कुल दिल करता है खुद करो जो करना है। सही बात है, करना भी चाहिए, फील कनेक्टेड विद बेबी। भाई बहुत कनेक्शन क्रिएट तो, होता है। मतलब मैं आपको बताने वाली थी कि ये कि जैसे मतलब हाथ से अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हैं तो बेबी के कपड़े निचोड़ते नहीं है, वॉशिंग मशीन में कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, बट इफ़ यू डूइंग इट विद योर ओन हैंड्स ना, तो वो ऐसे कहते हैं कि अगर कपड़े मरोड़ते हैं तो बच्चों के पेट में ऐठन आ जाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे और हमारे हमारे जो इंडिया के जो कल्चर और मिथ्स हैं वो बेकार नहीं हो सकते, वो सब बहुत बढ़िया हैं, जो बड़े बूढ़े पुराने कहते हुए आ रहे हैं वो सब सही कहते हैं। हाँ कहते हैं, अब चीज़ें ना हर चीज़ के अनुसार बदलती भी रहती हैं। हाँ। बट आपके ऊपर है, आप हर चीज़ जितना आप मान सकते हो उतना मानना भी चाहिए, जितना आप कर सकते हो। क्योंकि अब जैसे मेरे को ये रहता है कि हाँ काम कर लूँ थोड़ा बहुत है नहीं, बट माँ पूरा ध्यान रखते हैं कि नहीं तो नहीं करना है, रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। तो फिर ये रहता है कि पूरे टाइम मैं अपना ध्यान रख पा रही हूँ, थैंक्स टू माँ, गौर साहब, डैडी, इनफैक्ट भैया, मतलब कल तो डैडी ही मेरा शाम का कुछ होता है ना मील, तो वो खुद ही बना के ऊपर लिया है। फिर आज तो मैंने अपनी लड़की को देखा ही नहीं, पूरा दिन हो गया, मतलब लड़की से मतलब उनका, उनकी पोती तो उनके पास ही रहती है, मेरे से था कि मेरे को नहीं देखा, तो मैं बैठे आए, फिर बात बात करी, फिर बच्चे के थोड़े कपड़े वपड़े देखे, सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब सब आस पास केयरिंग, इतना सारी चीज़ें, तो मैं पूरा रेस्ट जोन हैप्पी हो, मैं तो बहुत, बस तुम हैप्पी रहो,
बहुत ज़रूरी एक चीज़ मेरे को कहनी थी कि मैंने कमेंट सेक्शन में कल पढ़ा कि बहुत सभी हमारे बड़ों ने या हमारे साथी वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उन सब ने बिल्कुल मना कर दिया स्पष्ट रूप से कि अभी बेबी का फेस नहीं दिखाना एटलीस्ट 40 डेज तक, और कुछ ने सुझाव दिया कि हम नामकरण संस्कार जब हम करेंगे तब हम दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं उनकी बात को मानता हूँ, और अभी हम अगेन फेस जो है बेबी का आपने देखा होगा उस पर हमने जो ब्लर किया हुआ है, तो अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं कल ही बोल चुका था कि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो आप मुझे जैसे गाइड करेंगे मैं उसके अनुसार उसको आगे परस्यू करूँगा। और ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत कोई इस तरीके के व्यक्ति हैं कि हम फेस नहीं दिखाना चाह रहे, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। जैसे घर में अभी बेटी हुई है और शिवी की डिलीवरी हुई है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसा बड़े लोग गाइड करते हैं हम वैसे ही तो कर सकते हैं, तो इसमें हम तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं। जैसा आप लोगों ने राय दी हम उस तरीके से उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप इतना प्रेम कर दे रहे हैं हमें, बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सभी का हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद, बहुत 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 दिल से। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभरात्रि शिवी की लैंग्वेज में, ठीक है? और